हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपनी स्ट्रगल जर्नी को रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जैसे काफी जो जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिले और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का ही काम करेगा। तो उसी जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दूसरी बार भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बाद जब तीसरी बार सोचा कि नहीं यार ईएस का अब एग्जाम देना है, उस समय अगस्त निकल चुका था और उस पीरियड में मैंने ईएस की प्रिपरेशन करना, जो कि काफी हद तक सब्जेक्ट कवर हो चुके थे पहले ही, इतनी से टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस साल अच्छे से मैंने जो अभी इस साल का जो ईएस का मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया इस बार। मतलब कोई भी मैंने एक होता है ना कि एक कंसेप्ट अगर मेरा कोई वीक है तो उस पर मैंने अच्छे से फोकस किया और प्रॉपर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, अच्छे कॉन्सेप्ट से लगाए, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर देना स्टार्ट किया और पूरा टाइम टेबल जो भी मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको मैंने एग्जीक्यूट भी अच्छे से किया। ठीक है, तो मेरी प्रिपरेशन इस बार बहुत अच्छी चल रही थी, जो मैंने ईएसपी का 2020 का जो अटेम्प्ट दिया था, और इस बार पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करूंगा और प्रीलिम्स में काफी अच्छा स्कोर करूंगा, जैसे कि मेंस का मैं अच्छे से एग्जाम दे सकूं और आगे अपनी इस जर्नी को बढ़ा सकूं। ठीक है, तो इस बार जब मैंने ईएस का प्रीलिम्स दिया, अच्छे प्रिपरेशन के साथ दिया, और जब मैं पेपर देकर आया तो कॉन्फिडेंस भी काफी था, बिकॉज मैंने क्वेश्चन इस बार उतने अटेम्प्ट किए जितना मुझे था कि यार अप्रोक्स 250 कट ऑफ जाती है और मैंने 270 समथिंग का मेरे को पता था कि मेरा स्कोर आ जाएगा, उतना मैंने अटेम्प्ट किया था। तो उतना मैं अटेम्प्ट करके आ गया और रिस्क नहीं लिया ज्यादा, बिकॉज आप जानते हो कि एमसीक्यूज के अंदर रिस्क लेना, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करके आ चुके होते हो। तो उतना अटेम्प्ट कर लिया कि हाँ अपने 250 अराउंड आ ही जाएंगे और पेपर उतना था कि 230 240 तक कट ऑफ जाएगी, अपना कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, बट जब एग्जाम दिया प्रीलिम्स का, उसके कुछ टाइम बाद आरटीआई लगाया बच्चों ने और उसके बाद उसके अंदर पता चला कि हमारी जो मैकेनिकल के अंदर में आपको वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल में हमारी वैकेंसी इस बार 100 वैकेंसी थी और उस 100 वैकेंसी के अंदर ही भी अप्रोक्स हमारी 45 वैकेंसीज इंडियन रेलवे की होती है। और मैकेनिकल में जो एक ड्रीम होता है सबका, वो यही होता है कि वो रेलवेज के लिए ज्वाइन करें ईएस को क्वालिफाई करके, लेकिन जब आरटीआई लगाई तो उसके अंदर आया कि रेलवेज ने अपनी वैकेंसी विड्रॉ कर ली है। तो बहुत शौक लगा कि यार यूपीएससी के अंदर ये चीज होना कि आप एग्जाम दे चुके हो प्रीलिम्स का और आपको पता लगता है कि नहीं आपकी वैकेंसी विड्रॉ हो चुकी है, तो एक बहुत बड़ा शौक था। उसके बाद एमईएस का था कि एमईएस ने भी अपनी वैकेंसी विड्रॉ कर ली है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले से ही अपनी वैकेंसी विड्रॉ कर चुकी थी। तो एक आप देखिए कि हमारी जो वैकेंसी थी वो गिरकर 24-25 अराउंड पहुंच चुकी थी टोटल वैकेंसीज, उसके अंदर जनरल और कैटेगरी वाइज वैकेंसी और सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूडेड था। अब आप देखिए 24-25 वैकेंसीज थी, हम प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। मेरे जो मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे वो अराउंड 240 हो रहे थे, मैंने मेडिजी और आईएएस मास्टर के आंसर पीछे मैच किए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का तो उस समय मैंने देखा कि जो कट ऑफ गया है वो 275 अप्रोक्स गया है। मतलब हम कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब आप इसको किस्मत बोलिए या फिर हमने उतनी अच्छे से मेहनत नहीं की, या फिर मेरे को अच्छा स्कोर करना चाहिए था और मेरे को 300 अप्रोक्स मार्क्स लाने चाहिए थे। बिकॉज देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मेरा नहीं हुआ है, अगर मैं और अच्छे से प्रिपेयर करता या फिर मैं अपने माइंड को और स्टेबल रखता एग्जाम टाइम पे और थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो शायद मैं वहां तक पहुंच सकता था। बिकॉज मैंने 10 से 15 क्वेश्चन जो आते थे वो इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जब वापस आकर यहाँ पर चेक किया तो वो सारे क्वेश्चन लगभग राइट ही थे। बट एक होता है ना कि आप अपना सेफ क्राइटेरिया लेकर चलते हो कि नहीं यार इतना मैं स्कोर करूंगा मेरा हो जाएगा, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ प्रीलिम्स में, तो वो एक चीज मैंने की। और बाद में पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है प्रीलिम्स में, अराउंड 275 के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी मैकेनिकल की और मेरे वही 240 अप्रोक्स मेरे मार्क्स बन रहे थे। तो बहुत अंदर से ऐसे टूट जाता है इंसान कि यार अपन इतने अच्छे से प्रिपरेशन की, अब अपन क्या करें। मतलब एक होता है ना कि बहुत बुरा लगता है, तीसरा अटेम्प्ट अपन दे चुके हैं और अपना अभी तक भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गेट का एग्जाम का भी स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा, 57 मार्क्स थे और 57 मार्क्स पर आप जानते हो कि, और इस बार तो गेट के थ्रू पीएसयूज भी बहुत कम रिक्रूट कर रहे हैं, एनटीपीसी ओएनजीसी कुछ ही पीएसयूज है जो अभी तक रिक्रूट कर रहे हैं, और बाकी जो पीएसयूज हैं सबसे अच्छी बात यह रही कि बाकी जो पीएसयूज है वो खुद के एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए एक होप है अभी भी मन में कि अभी अपन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो तभी से आप जानते हो लॉकडाउन लग गया फरवरी के बाद मार्च से ही, और अभी तक कोई भी पीएससी उसका एग्जाम नहीं हुआ है। एसएससी का एग्जाम होना है, आरसीएफएल है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उसके अलावा विजाग स्टील का एग्जाम है, एनएलसी का एग्जाम है, नवेली लिग्नेट कॉरपोरेशन, तो काफी सारी वैकेंसीज तो मैकेनिकल की निकली हुई है बट अभी तक कोई एग्जाम हो नहीं रहा है। खुद को सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखा है,
प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए जा रहे हैं, और स्टिल अभी भी एक होप है कि नहीं कभी भी एग्जाम होगा तो हम अच्छे से पहले पीएससी उसके किसी एग्जाम को क्रैक करें, ताकि एक होता है ना कि देखो पापा की भी घर में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्टेबल जॉब है, गार्डनिंग का काम है और वो भी काफी मेहनत करते हैं, बट एक खुद को ही उन्होंने कभी आज तक मुझे टोका नहीं कि तू अभी से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, बट एक होता है ना कि आपको खुद से अंदर से लग रहा होता है कि नहीं यार आपकी अब इतनी एज हो चुकी है कि आप खाली नहीं बैठ सकते हो, ठीक है, तो अब लगता है कि आप जो भी अभी सामने एग्जाम है आपका टेक्निकल पढ़ाई हुआ है आप उसको एक बार क्रैक कीजिए, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और उसके साथ साथ जब भी IRMS होता है, बिकॉज आपको पता है अब रेलवेज ने एक अपना नया डिपार्टमेंट बनाया है, अब उसका एग्जाम कब होना है किसी को नहीं पता है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो IRMS करके एक नया डिपार्टमेंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की भी रेलवेज की पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट भी सारी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब 2021 के अंदर वो एग्जाम होना था लेकिन अब तक कोई नोटिफिकेशन, आप जानते हो जो पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है COVID-19 की वजह से, उसकी वजह से अभी तक कुछ भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अब देखते हैं कब तक वो एग्जाम होना है। उससे पहले जब भी PSC के एग्जाम होने हैं हम उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है, तो अब तक ये मेरी जर्नी रही है, ठीक है, और मैंने आपके सामने देखो मैं फेल हुआ हूं या फिर जो मेरी गलतियां रही है उसको एक्सेप्ट करने में मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं हूं, बिकॉज उससे क्या होता है ना अगर हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक को तो हम कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। हम क्या हो रहे होते हैं ना सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होते हैं कि नहीं मैं अगर अभी चाहूं तो सिचुएशन को ब्लेम करूं कि नहीं यार वो तो IRMS बन गया और वैकेंसी विड्रॉ हो गई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कभी भी सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं खुद की गलती मानता हूं कि हाँ शायद मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं रही। ऐसा नहीं है कि बच्चों के प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 250 अप्रोक्स स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मैं उन 250 में क्यों नहीं था, बिकॉज शायद मेरी प्रिपरेशन उतनी अप टू द मार्क नहीं थी या फिर उतनी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं की या फिर मैंने एग्जाम के जो उस एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की उतनी हिम्मत नहीं की कि जितना मैं उस लेवल तक या उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं, ठीक है, तो मैं हमेशा खुद ही को यहां पर इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं कि जो गलतियां मैंने प्रीवियस में की उनको मैं रिपीट ना करूं, और मैं खुश हूं कि देखो जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई थी मैं अप्रोक्स 144 मार्क्स से मैंने स्टार्ट किया था ES की प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई थी, अप्रोक्स मैं आज वहां से 240 मार्क्स तक पहुंच गया था, और अगली बार जब भी एग्जाम IRMS का होना है तब और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को मैं कंटिन्यू हमेशा ही रखूंगा, और जब भी एग्जाम होगा जो मेरा ड्रीम है ES का वो मैं जरूर अचीव करूंगा, बिकॉज देखो वो मैंने ड्रीम देखा है और उसको अचीव करके रहना है, क्योंकि लगे रहना है, देखो अगर अब ये सपना मेरा है लड़ना भी मुझे ही उसके लिए है, ठीक है, तो जब भी एग्जाम होना है एक टफ पीरियड है, स्ट्रगल पीरियड है, और मुझे बस एक ही चीज पता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, ठीक है, अगर इस बीच में एक होता है कि हाँ मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अगर मुझे वहां पर ज्वाइन करना है, और एक होता है कि खुद का भी मेरा एक फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा और मैं घर वालों को भी सपोर्ट कर सकता हूँ उससे, और खुद की स्टडी के अंदर भी आपको पता है कि कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं आजकल बिना पैसे के, आप जानते हो कि एजुकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, आप टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए कुछ भी कीजिए आपको हर जगह आपको पैसे की तो आएगी ही, नीड पड़ेगी है आपको मनी की, तो उसके लिए जरूरी भी है कि आप कहीं भी एक बार जॉब ज्वाइन करें, तो एक बार मैं जरूर PSC उसके लिए अभी एग्जाम है उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं, और PSC उसका एटमॉस्फेयर भी काफी अच्छा होता है, और आगे का पता नहीं है मैं उतनी लंबी प्लानिंग करता नहीं हूं, बट हाँ मैं IRMS जरूर दूंगा और अभी आने वाले अपने PSC के एग्जाम पे मैं अच्छे से फोकस कर रहा हूं ताकि अच्छे से मैं उनके एग्जाम्स को क्रैक कर सकूं, बिकॉज उसमें नॉन टेक टेक्निकल सब कुछ इंक्लूडेड है, तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको FT रीजनिंग करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, तो सारी चीजें को पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन PSC के एग्जाम्स का काफी कम होता है, तो आपको उस कम टाइम में, और आप जिस तरीके का अभी टाइम चल रहा है आप जानते हो कि लॉकडाउन के टाइम पे इतना जॉब का क्राइसिस है कि सभी स्टूडेंट बहुत जबरा प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत जबरा यहाँ पर जॉब की या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी एग्जाम होगा आप जानते हो कि कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी कट ऑफ कभी जाएगी, तो आपको अपने आपको प्रिपेयर उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब हम ब्लेम तो कर नहीं सकते हैं कि नहीं यार COVID-19 की वजह से कट ऑफ ज्यादा चली गई है, हमको खुद को अपने आपको इतना डेवलप करना है, अपनी स्किल को इतना अच्छा बनाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो भी कट ऑफ जाए साला हमें तो अपना 100% देना है ताकि हमें रिग्रेट ना रहे किसी भी एग्जाम्स को देने के बाद, ठीक है। तो आप भी अपनी जो भी अभी स्ट्रगल जर्नी चल रही है आप उसको शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या आपकी जर्नी चल रही है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। टिल देन आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और हमेशा ये अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए, उस प्रोसेस के बारे में सोचिए जो आप अभी चल रहा है आपका करंट में, बिकॉज
किसी का भी कोई भी गोल होगा या फिर कोई भी माइलस्टोन होगा, उसका अभी वो प्रोसेस ही चल रहा होगा, तो उस प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हम साथ में एंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी सारी स्ट्रगल जर्नीज को शेयर करता जाऊंगा, जो भी मैं एग्जाम आगे दूंगा, कैसा मेरा एग्जाम गया, कौन से एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन हो रहा है, या फिर जो भी मेरी अब जर्नी है। बिकॉज अब डरना नहीं है, जब एक बार सोच ही लिया कि करना है तो अपनी इस स्ट्रगल जर्नी को भी शेयर करते हुए जाना है। बिकॉज मेरे को पता है कि एक होता है ना कि लोगों में हिम्मत भी नहीं होती है इस स्ट्रगल जर्नी को शेयर करने की, क्योंकि हमें खुद को एक पता नहीं होता है ना हमारे फ्यूचर में हम कहाँ जाकर स्टैंड करेंगे, हम किसी कंपटीशन को क्रैक भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और मुझे पता है, देखो मेरी इन वीडियोस को देखकर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने वीडियोस को देखकर कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने हैं मुझे, मैं अपने एक स्ट्रगल जर्नी को रिकॉर्ड करता हुआ जा रहा हूँ, जिससे कि ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करे और आपके लिए भी। मुझे पता है कि लाखों लोग जो है वो इससे समझेंगे भी सही, और कुछ लोग होंगे जो इसे क्रिटिसाइज भी करेंगे कि यार क्या है, अभी खुद ने कुछ अचीव किया नहीं है और हमें ज्ञान देने में लगा हुआ है। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई सही एडवाइस दे सकता है तो वो फेल होने वाला ही दे सकता है, बिकॉज उसको पता होता है कि उसने क्या क्या गलतियां उस जर्नी में की है, ठीक है। हमारे साथ में जितने भी रहे उन्होंने, उनमें बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने उस माइलस्टोन को अचीव भी किया है, तो हमें पता होता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक नहीं की और हमने अपनी प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक की है। तो एक्चुअल मायने में बताने में तो आपको सबसे सही जो फेल होने वाला होता है ना, वही बता सकता है कि क्या क्या मिस्टेक वो उसने की है, ताकि आप वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, ठीक है। और बाकी जो मेरी अभी करंट सिचुएशन है वो आपको भी पता है, मैं भी स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ आप ही की तरह, और आप ही की तरह मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए। तो मैं कोई आपको ना कोई ज्ञान दूंगा अब यहाँ पर, ना आपको ये बताऊंगा कि आप वो ये करो आप वो करो, मैं आपको केवल एक चीज बताऊंगा कि हमें बस गिव अप नहीं करना है। हम जो प्रोसेस को हम फील कर रहे हैं, जो अभी इसको हम करते हुए जा रहे हैं, इसको हमें अच्छे से एंजॉय करते हुए जाना है, इसको हमें अपने आप को इतना स्किलफुल बनाना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा बना देना है, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो हमें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि यार कुछ कमी हमारे अंदर रह गई या फिर हमने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, ठीक है। तो उसी चीज को बस मेरा मकसद इतना ही है कि मैं आपको उस चीज को बता सकूं, बस केवल इतना बता सकूं कि जो गलतियां मैंने की आप वो कम से कम ना करें, और आप भी मुझे सजेशन दीजिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी कभी इस वीडियो को देखें तो कि आप लोग बताइए कि क्या हम मिस्टेक मेरी हमारी इस जर्नी में रही है, मेरी इस जर्नी में रही है, ताकि मैं उससे भी इंप्रूव कर सकूं। मैं अपने आप को अभी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और अभी मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी एक होता है कि डे बाय डे आप इंप्रूव करते ही जाइए, इंप्रूवमेंट कभी बंद होना नहीं चाहिए, जिससे कि आप एक एक होता है ना कि आइडियल तो आप कभी बन नहीं सकते, लेकिन उस लेवल तक आप पहुंचने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। तो उस लेवल तक जरूर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, ध्यान रखिए अपना। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सहनारा।